हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और एक नए सेटअप की तरफ ले चलते हैं आपको और डिस्कशन करते हैं एक नए सेटअप के बारे में। ये मेरा डिस्क्लेमर है और उसके बाद में, अगर हमारा ये चैनल नया है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल में बहुत सारे स्टॉक के बारे में डिस्कशन है, बहुत सारे मेथड ऑफ द ट्रेडिंग के बारे में डिस्कशन किया हूँ, आप जाके वहाँ देख सकते हैं। उसमें से कुछ साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन है, आपको साइकोलॉजी नए ट्रेडर कैसा होता है, पुराने ट्रेडर कैसा होता है, तो इन सारे चीज़ों का एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है हमारे प्ले लिस्ट में। आप जाके देखिए, समझिए और उसके बाद में कमेंट कीजिए। तो आज हम लोग एक सेटअप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही प्यारा सेटअप है। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं और इस सेटअप का नाम जो है हमारा, ये है आपको ट्रेडिंग सेटअप, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप है और ये लगभग लगभग सभी जगह काम करता है। इसको हम थोड़ा सा कैपिटल में लिख देते हैं, ट्रेडिंग सेटअप, और ये आपको हर जगह काम करेगा। तो हम इसको ट्रेडिंग के लिए अभी इस्तेमाल करेंगे, फिर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए और ट्रेड को होल्ड करने के लिए भी हम आपको इसमें आने वाले समय में बताएंगे। फिलहाल जो है सो हम अभी यहाँ पे ट्रेडिंग सेटअप के बारे में चर्चा करेंगे। और इस ट्रेडिंग सेटअप का खास ये नाम जो है, वह इसका नाम बड़ा ही यूनिक हमने रखा है और ये नाम है आपका FR और प्लस में RC सेटअप। FR का मतलब हो गया कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट और RC का मतलब हो गया कि RSI क्रॉसिंग। अब हम लोग इस सेटअप का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है सो यहाँ पे आगे जो है सो इसका ट्रेडिंग में हम लोग यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे एक बात आती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आती है उसको समझने वाला है आपको और हमको, कि जो फिब रिट्रेसमेंट है और जो ट्रेंड लाइन है उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है वो समझ लो आप पहले। तो ये देखो, ये मार्केट एक बार ऊपर जाकर के और यहां से रिट्रेसमेंट सीधे ऐसे नहीं आता, रिट्रेसमेंट भी चूंकि कैंडल टाइम, देखो मार्केट जो है फिर यहां से ऊपर जाएगा ये, अब फिर एक रिट्रेसमेंट ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा या ऐसे आएगा। देखो तो ये जो है, ये रिट्रेसमेंट जो आता है ना, देखो मार्केट में क्या है समझना आप बात को, दो चीजें हैं मार्केट में, दो कोऑर्डिनेट्स हैं जिसपे ये मार्केट चलता है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि वो दो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। तो ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है, ये वाला जो कोऑर्डिनेट्स है वो टाइम का कोऑर्डिनेट्स है, दैट इज कॉल्ड टाइम, ये टाइम हो गया, ओके। और दूसरे साइड का जो कोऑर्डिनेट्स है ये है प्राइस। तो अब यहाँ पे बात आती है कि टाइम और प्राइस आपके पास में दो कोऑर्डिनेट्स है और इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स पे आपका जो है बाजार चल रहा है। तो अब यहाँ पे देखना आप कि अगर हम प्राइस एक्शन को अगर हम मान लीजिए यहां से शुरू करते हैं, तो हमारा जो ये जो है ना, ये ऐसे नहीं आता है, ये ऐसे आता है, टाइम लिया फिर यहां से ऊपर जाएगा, अब फिर ये थोड़ा टाइम लेगा, अब फिर ये ऊपर जाएगा। तो जो बियरिश फ्लैग का कंसेप्ट है आप देखोगे ध्यान से, तो एक आपका क्या है कि ये जो है सो हमारा ये प्राइस ऊपर गया, अब प्राइस ऊपर जाने के बाद में यहां पे सॉरी इसको मिटा देते हैं, प्राइस जो है सो मान लो कि प्राइस आपका ऊपर जाने के बाद में एक ऐसा फ्लैग बनता है, ये फ्लैग बनता है, ओके। और प्राइस जो है सो आपको इधर से ये प्राइस ऊपर गया और ये जो फ्लैग बना है वो यही है। तो अब यहां पे इसको हम मिटा देते हैं और यहां पे जो ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट जो समझा रहे थे हम वो यही है। तो ट्रेंड लाइन में आपका अब यहां से देखोगे तो ये जो है ये एक ट्रेंड लाइन बन गया, ओके, यही ट्रेंड लाइन बना। अब ये जो ट्रेंड लाइन बना है ये फिबोनाची का ही लेवल है, ट्रेंड लाइन के जितने भी लेवल्स हैं, हमने एक इसको वीडियो डेडिकेटेड वीडियो आप लोग जाके देखिएगा, ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट हमने समझाया है। तो ट्रेंड लाइन कोई अलग नहीं है, वो फिबोनाची का ही कॉन्सेप्ट है, शॉर्ट फॉर्म में उसको ट्रेंड लाइन हम कह देते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखोगे यहां से मार्केट चला यहां तक गया और 0.382 से मार्केट रिवर्स हो गया, ऊपर चला गया, यह एक फ्लैग बनाया और फिर मार्केट क्या हुआ, ऊपर चला गया, ओके। हम इसको अब मिटा देते हैं। अगेन मार्केट जो है यहां से मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में फिर जो है 0.382 से रिवर्सल ले लिया, ऊपर चला गया। तो लेकिन हम लोग ट्रेंड लाइन पर क्यों भरोसा करते हैं, क्योंकि वो जो लेवल होता है वो डॉट टू डॉट मैच कर जाता है, लेकिन फिबोनाची पे 0.5% अगर आप बाई करने की कोशिश करोगे तो हर जगह तो आपको मिलेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे आज का देखो, आज का तो आज का जो है यहाँ पे सिंपल सा है कि मान लो मार्केट हमारा यहाँ सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लेके ये ऊपर गया है तो 0.5 और 0.6 पे आया जो ट्रेंड लाइन पे है, और ये ट्रेंड लाइन पहले से एक्टिव है, ये अभी से एक्टिव नहीं है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जब भी यहाँ पे आ रहा था मार्केट में बाइंग आ रही, जब भी यहाँ पे आ रहा मार्केट में बाइंग आ रही, ये अभी की बात कर रहा हूँ, कल परसों की नहीं, आज की बात कर रहा हूं मैं।
अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हमारे सेटअप में एक ट्रेंड लाइन रहेगा और दूसरा आरएसआई रहेगा। तो आरएसआई की सेटिंग हम लोग क्या करेंगे, तो आरएसआई में एक तो आरएसआई का लाइन 14 रहेगा और मूविंग एवरेज का लाइन जो है वो 9 रहेगा, तो कि आपको जैसे पहले ट्रेड मिल जाए, नहीं तो क्या होगा दिक्कत जाती है। तो आप कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इंडिकेटर सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे आप आरएसआई को टाइप कर देना, सीधा आप आरएसआई को टाइप करोगे तो आरएसआई आ जाएगा। आरएसआई को अपने इस पे प्लॉट कर लेना, प्लॉट करने के बाद यहाँ से सेटिंग में चले जाना, सेटिंग में जाने के बाद आरएसआई का ये लेंथ वही रहेगा और इसको क्या करेंगे हम लोग 9 कर देंगे। स्टाइल में जाना है, आरएसआई के लेंथ को ग्रीन कर देना है और आरएसआई बेस्ट मूविंग एवरेज के लाइन को रेड कर देना है। इतना सेटिंग आपको समझ में आ गया, एक बार देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब आ जाओ हम लोग आ जाते हैं। अब यहाँ पे एफआर प्लस आरसी जो है, आरसी का मतलब, एफआर का मतलब फिबोनाची रिट्रेसमेंट, आरसी का मतलब हो गया आरएसआई की क्रॉसिंग, मतलब इस रेड लाइन को ये ग्रीन लाइन जब क्रॉस करता है तो हमें ट्रेड बनाना है। कई बार आप देखोगे इस ग्रीन लाइन को, इस रेड लाइन को ग्रीन लाइन क्रॉस करके रिटेस्ट देगा और कई बार ये नहीं देगा, तो दोनों के केस में आप यहाँ पे ट्रेड बना सकते हो। रिटेस्ट के केस में आप पोजिशन और एड कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको लेके आगे बढ़ सकते हो। अब आप लोग यहां देखो, ये ट्रेंड लाइन पहले से एक्टिव है, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया। कई बार क्या होता है कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आने के बाद टाइम पास करने लगता है, जब टाइम पास करने लगेगा तो आप देखना आरएसआई में क्रॉसिंग नहीं होगा, जब आरएसआई में क्रॉसिंग नहीं होगा तो वहां हमारा ट्रेड नहीं बनेगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आरएसआई में सेम टाइम पे यहाँ पे बाइंग आई और देखो आरएसआई में क्रॉसिंग आ गई और आपको कितना शानदार टारगेट मिल गया। यहां से देखो आप लगभग 150 पॉइंट का टारगेट मिल गया आपको, 150 पॉइंट, हम आप 100 पॉइंट पकड़ लो, आप एक ट्रेड आपको यहां मिल गया। अच्छा, अब यहां पे दूसरा चीज ये है कि एक ये ट्रेंड लाइन भी आपको एक्टिव है, अभी शॉर्ट टाइम में ये ट्रेंड लाइन एक्टिव है। इसका कारण क्या है कि हम टॉप से डाउन को जब फिब लगाएंगे तो 0.5 और 0.6 पे हमें मिला ये, और 0.5 और 0.6 पे यहां हमारा ट्रेंड लाइन भी है। और आप देखोगे कि क्या हुआ कि ये आरएसआई ऊपर तो गया है, यहाँ पे ये क्रॉस किया है, लेकिन ट्रेंड लाइन जब नीचे है तो हम बाई नहीं करेंगे, हमेशा सेल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। अब यहाँ पे गया, चाहे ये क्रॉस करके नीचे क्रॉस करे या यहीं से रिटर्न हो जाए। कई बार जैसे आरएसआई ये जो है कैंडल यहीं पे शूटिंग स्टार बन गया, दूसरे टाइम पे हमें तुरंत इसको शॉर्ट कर देना। आपको यहां तक का टारगेट है लेकिन आपको ये टारगेट नहीं मिला, तो हमारा जो एसएल बनेगा इस कैंडल के ऊपर का बनेगा, इस कैंडल के एसएल ऊपर बना। और जब फिर यहाँ पे मार्केट आया तो हम यहाँ पे पोजीशन फिर से ऐड करेंगे और देखो यहाँ पे ये जगह पे मार्केट रिटेस्ट किया है और रिटेस्ट करने के बाद सीधे स्ट्रेट लाइन पे आ गया। तो यहाँ पे अगर आप स्कैल्पिंग भी कोई करेगा तो भी आपको यहाँ पे 76 पॉइंट मिला हुआ है। ओके, अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, आप समझना मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना जरूरी है। जैसे आज का मार्केट है, ये आज का मार्केट है, आज के मार्केट में कई बार ये क्या करेगा कि पहले ये क्रॉस करके और नीचे ये रिटेस्ट करने जाएगा मूविंग एवरेज लाइन को और वहीं से गिर जाएगा। जैसे यहां से ये क्रॉस करके ऊपर गया, रिटेस्ट किया, आप यहां पे भी जब रिटेस्ट करके जब ये नीचे आने लगेगा तो भी आप यहाँ पे इस कैंडल के बाद आप ट्रेड बना सकते हो। आपको यहाँ से 0.382 का भी मिल जाएगा टारगेट, या सिंगल कैंडल का भी जितना भी मिल गया उतना आप ले लो, तो सिंगल कैंडल में आपको 50 पॉइंट मिल गया। तो ये आप स्कैल्पिंग भी इससे हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग को फिर यहाँ पे देखो, इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आया, हाँ ठीक है, यहाँ पे फिर मार्केट आया। जब यहाँ पे मार्केट आया तो हमें क्या करना चाहिए, बाई करना चाहिए। देखो इसी चीज का हम बात कर रहे थे आपसे, यहाँ पे मार्केट आएगा तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन कई बार आपको यहाँ धोखा हो सकता है। लेकिन जब ये क्रॉस कर जाएगा, जब ये क्रॉस कर जाएगा उसके बाद में आप देखोगे क्रॉस करके और इस कैंडल में रिटेस्ट भी किया है, यहाँ रिटेस्ट भी किया है और उसके बाद ये निकलेगा तो और कंफर्मेशन के साथ आपको ट्रेड मिल जाएगा। तो अगर आपको मान लीजिए कि और ज्यादा ही इसमें वो करना है, चाहे इसको ऐसे ही रहने दो, तो यहाँ पे आप बाई कर लो, या फिर जो है सो जब ट्रेंड लाइन पे आता है तो बाई करो, या आरएसआई की क्रॉसिंग पे आता है तो बाई करो। तो यहाँ पे जब शॉर्ट में टॉप पे जब ट्रेड पकड़ना होता है ना तो ये बहुत शानदार काम करता है। जैसे ये आज का मार्केट है, मॉर्निंग मार्केट, यहाँ पे आरएसआई क्रॉसिंग में आपको एकदम टाइम पे मिला, मार्केट ऊपर गया, ऊपर में जाने के बाद यहाँ रुका और यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्चुअल में क्या है कि बायर और सेलर की साइकोलॉजी मार्केट बताने लगता है। यहाँ पे आरएसआई टॉप पे है, देखना आप ध्यान से देखना, आरएसआई टॉप पे है और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल था, यहाँ पे ये जो बायर था वो अपना पोजीशन को निकाल रहा था और यहाँ सेलर ताक में था, बैठा था यहाँ पे 24,000 का एक राउंड लेवल भी था,
टेलर यहाँ पे टाग में था कि जैसे ही लोग हमको यहाँ पे मिलेगा एसएल हम मार दूंगा। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे बाइंग हो गया, नीचे एसएल था, नेक्स्ट कैंडल में ये डंप हुआ। तो यहाँ पे जब बाइंग हुई, यहाँ से जब ये बाइंग हुई या जब ये डंप हुआ तो आपको शॉर्ट कर देना था इसको, तुरंत ही शॉर्ट, क्योंकि आरएसआई में क्रॉसिंग हो गया, तुरंत शॉर्ट कर देना था। तो आपको यहाँ से ये बहुत अच्छा ट्रेड आपको दे देगा। देखो आप 120 पॉइंट दे दिया, अगेन देखो आप यहाँ पे बाइंग आई, टाइम पास नहीं किया, तुरंत एक क्रॉसिंग हुई बाई कर लेंगे। टाइम पास करेगा, वेट करेंगे। टाइम पास का एक एग्जांपल आपको दिखाऊं, आप इधर देखो, मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ये यहाँ पे देखना, ये यहाँ पे नहीं, एक मिनट, ये मार्केट गिरा था कहां से, ये मार्केट, हाँ ये 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 ये, ये ओके, यहां देखना आप, ये टाइम पास कर रहा था, ये टाइम पास के बाद में यहां से बाइंग हुई, ऊपर गया, और ये देखो आप यहां से जब ये आरएसआई में क्रॉसिंग आने लगा तो आप शॉर्ट का पोजीशन बना दो। फिर यहां पे ये डब्ल्यू बना और आरएसआई में जब यहां पे क्रॉसिंग आया, यहां पे जब क्रॉसिंग आया तो आप बाई का पोजीशन बना दो, आप टॉप तक का टारगेट रख लो। तो ये जो है सो आप ट्रेंड लाइन पे जब भी आरएसआई, आप जैसे यहां पे देखो, यहां पे टाइम पास कर रहा था, आप यहां भी बाई किए हो, लेकिन अभी भी बाई का लेवल बना नहीं है, आपको यहां पे एसएल खा जाएगा, मार्केट एसएल खा गया। तो अब मान लो इधर कहीं बाई करोगे एसएल खा जाएगा, थोड़ा इंतजार करो, जब आरएसआई में क्रॉसिंग हो जाए उसके बाद अगर रिटेस्ट हो जाए तो और शानदार है। जैसे क्रॉसिंग हुआ और आरएसआई में रिटेस्ट हो गया, अब उसके बाद बहुत अच्छा टारगेट मिल जाएगा आपको। आपको कहां तक का टारगेट लेके चलना है, आरएसआई में 70% या 75% का टारगेट सबसे सुंदर टारगेट रहता है, उसके बाद में ज्यादा उम्मीद नहीं करना। उसके बाद फिर मार्केट एक बार नीचे आएगा और उसके बाद जब नीचे से आएगा, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक्सट्रीम बुलिश मार्केट होगा तो जो एवरेज प्राइस है वो 50% तक ही आएगा, 50% के बाद बाइंग आ गई, 50% रेड लाइन, 50% आई बाइंग आ गई, ये रेड लाइन 50% आई बाइंग आ गई, यहाँ पे देखना आप ये रेड लाइन 50% आई बाइंग आ गई। उसके बाद में हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे देखो ये 50%, अब यहाँ पे देखना आप, एक बार जब मार्केट बुलिश हुआ, बुलिश होने के बाद में जब रिटेस्ट करने आएगा ना नीचे, रिट्रेसमेंट, 50% से नीचे नहीं जाएगा, 50% से नीचे, 50% पे गया और यहाँ ट्रेंड लाइन मिल गई, 50% पे गया ट्रेंड लाइन मिल गई, 50% पे गया ट्रेंड लाइन मिल गई, और आरएसआई का एवरेज प्राइस जो है वो 50% से नीचे जाएगा ही नहीं, एवरेज प्राइस 50% से नीचे गया ही नहीं, एवरेज प्राइस 50% से नीचे जाएगा ही नहीं, इस चीज का हमेशा। और उसके बाद तुरंत ग्रीन लाइन उसको कट करेगा और बहुत अच्छा वहां पे आपको वो मिल जाता है, मतलब बहुत अच्छा बाइंग कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे देखो कितना अच्छा बाइंग कंडीशन बना, कितना अच्छा बना यहाँ पे बन गया आपको, तो ये हमेशा आपको काम करते हुए मिलेगा। उसके बाद में ये सेलिंग का है, सेलिंग के केस में देखो यहाँ पे आरएसआई की क्रॉसिंग हुई है, ये गया ऊपर, नहीं बाई करना है क्योंकि ये शॉर्ट के पोजीशन बन रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे देखो आपको यहाँ से ये नीचे आ गया, फिर यहाँ से देखो कितना अच्छा नीचे आ गया, फिर यहाँ से देखो ये कितना अच्छा यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे आया। तो ये हमेशा आपको मदद करेगा। आप जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम पास कर रहा है मार्केट, हम बाई कर लेंगे हमारा एसएल खा जाएगा, आरएसआई में पहले क्रॉसिंग आने दो, अगर रिटेस्ट आ जाने दो उसके बाद तो और अच्छा है, रिटेस्ट आया उसके बाद बढ़िया चला गया ये। तो ये अच्छा, इसमें भी एक सब ट्रेंड लाइन भी बन जाते हैं, इधर भी आपको एक सब ट्रेंड लाइन बन जाता है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, फिर से आया ट्रेंड लाइन पे, यहाँ पे देखो। तो कई बार मार्केट का स्ट्रक्चर समझना, ये मार्केट जो है ये चैनल वाला मार्केट होता है, उसमें आप बुलिश और बियरिश नहीं खेल सकते हो, यहाँ पे एक मार्केट रेंज में फंसा हुआ है। तो रेंज में फंसे मार्केट में आरएसआई के जो ट्रेवलिंग होगा, जो एवरेज प्राइस होगा, वो टॉप और बॉटम दोनों साइड ट्रेवल करेगा। जैसे यहाँ पे ये टॉप में ट्रेवल कर रहा है, फिर नीचे के बॉटम में, फिर टॉप में ट्रेवल करेगा। जैसे ये आपको ये टॉप में गया और फिर ये बॉटम में आ गया, फिर देखना आप यहाँ पे ये टॉप में गया और यहीं तक आया, तो हमें यहाँ पे बॉटम, टॉप और बॉटम पकड़ के चलना है। यहाँ पे ये जैसे ये बॉटम गया, फिर टॉप गया, फिर जैसे यहाँ पे ये बॉटम गया, फिर ये टॉप चला गया। तो जब भी चैनल ऑफ फंसा मार्केट रहेगा तो टॉप टू बॉटम, और एक्सट्रीम बुलिश रहेगा तो 50% से नीचे नहीं आया। जैसे अभी देखो आप, एक्सट्रीम बुलिश है मार्केट, तो ये स्ट्रक्चर में 50% से नीचे आ ही नहीं रहा प्राइस, 50% एवरेज प्राइस जो है रेड कलर, रेड वाला लाइन 50% से नीचे कभी आएगा ही नहीं। तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना है, मार्केट का स्ट्रक्चर भी आपको बता देता है। अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आप देखोगे तो अब यहाँ पे भी वही सिचुएशन बनेगा। अब एक चीज और इसमें ध्यान रखने वाली बात है, वो ये ध्यान रखने वाली बात है कि मार्केट में देखो, मार्केट में क्या हो रहा है यहाँ पे, तो मार्केट में एक यहाँ पे बियरिश फ्लैग बना हुआ, उसके बाद ये इसको ब्रेकआउट कर रहा है। तो मार्केट जैसे, अब पहले इसको समझ लो आप, जैसे यहां से बाइंग आ गई, यहाँ पे आया नीचे 50% पे बाइंग आई,
तो 50% पे एक बार आप ट्रायल कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये रिटेस्ट किया, रिटेस्ट के बाद जब निकला तो बाई कर लो। यहाँ पे भी आप जैसे यहाँ पे रिटेस्ट करके निकला बाई कर लो। तो अब जैसे एक्सट्रीम बुलिश होगा तो 50% पे भी नहीं आएगा, तो जब भी नीचे से ऊपर क्रॉसिंग दे रहा है तो हमारा बाइंग पोजीशन रहेगा। जब भी नीचे से ऊपर क्रॉसिंग देगा बाइंग पोजीशन, जब भी नीचे से ऊपर क्रॉसिंग देगा बाइंग पोजीशन, जब भी नीचे से ऊपर क्रॉसिंग दिया बाइंग पोजीशन रहेगा। ठीक है, अब आप आ जाओ यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास में है जो ये वाला जो है ना, ये वाला जोन। अब यहाँ पे देखना आप मार्केट यहां से क्या किया, ये ट्रेंड लाइन हमारा है, ट्रेंड लाइन पे आया यहाँ पे आरएसआई क्रॉसिंग, ट्रेंड लाइन पे आया आरएसआई क्रॉसिंग, अगेन ट्रेंड लाइन पे आया यहाँ पे आरएसआई क्रॉसिंग, अगेन ट्रेंड लाइन पे आरएसआई क्रॉसिंग, अगेन ट्रेंड लाइन पे आरएसआई क्रॉसिंग आ रहा है ना बकायदा। उसके बाद में अब यहाँ पे ये देखो आप बेयरिश मार्केट है, यहाँ से आरएसआई क्रॉसिंग आ गया आप शॉर्ट कर दो, यहाँ से आरएसआई क्रॉसिंग है आप शॉर्ट कर दो, यहाँ से ये जो है सो उसका 50% है। ऊपर से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 50% है, ये 50% है। तो हमारा जो है अब यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन मार्क कर देंगे, ये वाला, ये वाला एक्चुअल में हमारा जो है सो यहीं तक इसका होना चाहिए, तो हम कुछ ऐसा मार्क कर देंगे इसको। ओके, तो ये यहाँ पे आया और फिर जैसे यहाँ पे देखो आरएसआई की जब ये क्रॉसिंग आई तो कितना अच्छा यहाँ पे आ गया नीचे देखो। तो ये बहुत अच्छा मिल जाता है आपको ट्रेंडिंग मार्केट में, तो ये समझ लो कि एकदम रामबाण की तरह काम करता है। अब जैसे यहाँ पे देखो साइडवेज मार्केट है, साइडवेज मार्केट है, ये आपको हर चीज दोनों साइड नहीं मिलेगा। ये देखो यहाँ से ये शॉर्ट कर दो, फिर यहाँ से गया ये शॉर्ट कर दो, ये बाइंग और दोनों एक साथ नहीं करो, कोई एक ही करो, या तो बाइंग करो नहीं तो सेलिंग करो। मार्केट 50% पे गया, उसके बाद देखो ये डबल टॉप बनाया शॉर्ट कर दो, अगेन मार्केट को यहाँ से देखो ये डबल टॉप बना के ये नीचे गया और फिर रिटेस्ट कर दिया ना, और नीचे आ रहा तो समझ लो कि सबसे अच्छा वो ट्रेड है, बहुत अच्छा ट्रेड मिल गया यहाँ पे। अगेन आपको यहाँ पे रिटेस्ट करके आ रहा है नीचे, आने दो, अगेन कई बार रिटेस्ट नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको शॉर्ट करके फिर बैठना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखो एक टॉप पे आपको मिला मार्केट आरएसआई क्रॉसिंग के साथ मिला, और उसके बाद में देखो ये रिटेस्ट यहाँ पे हुआ, उसके बाद धराम से नीचे आ गया। तो यही सब चीजें आपको काम आएगी। जैसे यहाँ पे आरएसआई के देखो क्रॉसिंग हुआ, आप इंटर कर लिए, यहाँ पे आरएसआई के क्रॉसिंग हुआ, रिटेस्ट भी हुआ है, अगेन यहाँ पे देखो आरएसआई के क्रॉसिंग हुआ, यहाँ रिटेस्ट हुआ, फिर निकल ये मार्केट निकल गया, अगेन यहाँ पे क्रॉसिंग हो गया। अब साइडवेज मार्केट में बहुत ज्यादा आपको ऊपर नीचे कराएगा, तो साइडवेज मार्केट का मतलब कहीं पे आरएसआई अगर यहाँ पे फ्लैट हो जाए, ये लाइन देखो सीधी हो जाए, या आरएसआई जो है सो इस लेवल पे सीधी हो जाए या बीच में सीधी हो जाए, वहां पे ट्रेड नहीं करना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है कि आरएसआई में जो है सो जो एवरेज प्राइस है उसमें कुछ ना कुछ बेंडिंग होना चाहिए, एवरेज प्राइस में बेंडिंग होना चाहिए। जैसे एवरेज प्राइस में यहाँ बेंडिंग है, उसके बाद में यहाँ पे देखो ये कितना अच्छा मिला, गया ऊपर नीचे आया और फिर सुप्त हो गया एकदम। तो ये मिलेगा आपको, जैसे ये ऊपर से नीचे आया, यहाँ से ये ऊपर से नीचे आया है, तो उसके अलावा जैसे जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे ये सीधे क्रॉस किया, रिटेस्ट भी नहीं दिया, सीधे निकल गया। तो जैसे यहाँ पे ये क्रॉस करके और जैसे ये जब से जब ये टॉप पे मार्केट रहे और ऐसे रिटेस्ट मिल जाए तो बहुत अच्छा कंडीशन रहता है। रिटेस्ट मिलता नहीं है टॉप के या बॉटम के मार्केट, जैसे बॉटम का मार्केट है यहाँ पे आपको रिटेस्ट, यहाँ पे आरएसआई में रिटेस्ट मिल गया, बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे मिला आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो कई बार आपको नहीं मिलेगा, कई बार मिलेगा, लेकिन रिटेस्ट वाला अगर जो ट्रेड रहता है वो बहुत अच्छा चलता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे देखोगे ये क्रॉसिंग, जैसे यहाँ से ये क्रॉसिंग हुई, मार्केट बुलिश था, तो अब बुलिश मार्केट में आप शॉर्ट नहीं करना चाहोगे ना मार्केट को, एक बार वो तो होने दो, ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करेगा तो आरएसआई यहाँ पे देखो एफआर प्लस आरसी का यहाँ पे सेटअप है, तो यहाँ से फिर ये नीचे आया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करने गया, फिर नीचे आ गया, अब यहाँ से क्रॉस कर रहा है। तो जब ये क्रॉस कर रहा है तो हमारे इस लेवल से इस लेवल में फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा देंगे, अब 0.5 और 0.6 पे हम इंतजार करेंगे, और वहां पे आरएसआई क्रॉसिंग मिल गया तो हमारे लिए एकदम शॉर्टेड ट्रेड मिल जाता है। जैसे यहाँ पे आरएसआई की क्रॉसिंग मिल गया, शॉर्टेड ट्रेड मिला आपको एकदम शानदार सा, ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे आप देखोगे तो ये वाला लेवल जो है, ये वाले लेवल से अगर लगाओगे तो ये 0.5 और 0.6 का लेवल है, पूरा जोन ही 0.5 0.6 का है, और यहाँ पे आरएसआई के क्रॉसिंग ढूंढना है बस आपको। जैसे यहाँ पे आरएसआई क्रॉसिंग हुआ, लेकिन दिक्कत ये है कि पुराना जो ट्रेंड लाइन है अभी भी जिंदा है, तो ये ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि बार बार आपको मारेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बाइंग है, अभी बाइंग करते चलेंगे। अब यहाँ पे है, जब ये आरएसआई जब ये ट्रेंड लाइन को खत्म कर दिया, अब हम लोग शॉर्ट कर देंगे, यहां से यहां शॉर्ट कर सकते हो आप। अगेन जो है सो ये इसके 50% पे होगा, ये वाली लाइन जो होगी आप अगर फिबोनाची लगाओगे तो आपको 50% पे मिल जाएगा,
और आरएसआई का ये देखो, आरएसआई की यहां से अभी ट्रेंड ये 50% पे जाने दो इसको, उसके बाद एक बहुत अच्छा आपको ट्रेड मिल जाएगा। 50% पे जब जाएगा तो बहुत अच्छा ट्रेड मिल जाएगा। जैसे यहां से यहां तक मिल गया, उसके बाद में जैसे यहां पे देखो ये प्राइस जो है सो यहां तक गया, लेकिन ये जो क्रॉस ओवर हुआ है वहां पे आपको एग्जैक्ट क्रॉस ओवर पे आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखोगे एग्जैक्ट जो है सो यहाँ पे देखो क्रॉस ओवर पे मिल गया, और एवरेज प्राइस अगर 70% पे चला गया तब तो आप शॉर्ट कर देना आंख मूंद के, आपको बढ़िया ट्रेड मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रेड कलर वाला लाइन जब इसको टच करने लगेगा तो बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा ट्रेड, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट जरूर करना।